हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मेकअप लुक। बहुत टाइम के बाद मैं एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ और ये जो मेकअप लुक है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जो कि बोलते हैं ना, सिंपल एंड सोवर, इस टाइप का मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। आप उसको अपने खुद के बर्थडे पर कर सकते हो, किसी भी फ्रेंड के बर्थडे पर कर सकते हो, या फिर वेडिंग गेस्ट बन के जा रहे हो तो भी कर सकते हो, छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हो इस तरीके से मेकअप। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको अच्छा लगेगा देखने में। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है रोजिप सीरम। ये मेरी फेवरेट सीरम है। मेकअप से पहले मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, विंटर हो समर हो जो भी हो, मैं इसको अप्लाई करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है बेस। और यहाँ पर नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर बार की फाउंडेशन। आप कोई से भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। ये जो फाउंडेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी जो एप्लीकेटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये जो है कंसीलर का भी काम करता है, फाउंडेशन का भी काम कर लेता है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही लाइट वेट है, आपके फेस पे एकदम मैट नहीं बनाता है, थोड़ा बहुत डुई सेमी मैट टाइप का है, जो कि अच्छा लगता है लगाने में। और कवरेज जो है सीयर टू मीडियम है, फुल कवरेज नहीं है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन की कंसीलर। ये जो है मेबलिन फिट मी कंसीलर, मेरा जो शेड है वो है 120 आइबरी या फिर ऐसा कुछ करके है, जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। तो मुझे जहाँ पर भी ज़रूरत है मैंने यहाँ पर थोड़ा करके कंसीलर अप्लाई किया है और अच्छे से मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, ये मेरी जो मेकअप कलेक्शन की वीडियो है मैंने यहाँ पे लाइव कर दिया है, मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप जरूर चेक करिएगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। ओब्वियसली मेकअप कलेक्शन सबको अच्छा लगता है। तो तो उसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। पूरी फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मी की लूज पाउडर। ये जो लूज़ पाउडर है बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, मुझे ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने हिलेरी डोडा के आईब्रो पैलेट से मैंने आईब्रो को फिल किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मोरपी की यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट, मोरपी जो ड्यूब वाला है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे मैंने एक मेरून अंडरटोन की जो बर्गंडी टाइप की कलर मैंने लिया है उसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है मेरी पूरी आईलिड के ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि येलोइस टाइप की गोल्डन है, जो कि मेरे ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से जा रही है। इस वजह से तो मैंने उसको पूरी आईलिड के ऊपर लगा लिया है। पूरी आई लुक जो है येलो रेड मिक्स एंड मैच है, क्योंकि ड्रेस के साथ मैच हो रही है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई किया है। तो शुगर की यहाँ पे फेस पैलेट आप यूज़ कर रही हूँ, जो कि कंट्रोल हाईलाइट और ब्लश के लिए, उसी से ही मैं पूरी फेस को कंट्रोल करूँगी, थोड़ा बहुत ब्लश अप्लाई करूँगी। आपको अगर ब्लश ज़्यादा पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर जो है उसका बहुत ही ज़्यादा सटल है, बहुत ही ग्लोई है, और ये जो पैलेट है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बिगनर हो या फिर अगर आप एक अच्छी वाली पैलेट चाहते हो जिसमें आपको कंटूर हाइलाइटर ब्लश सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप शुगर की जो ऐप है उसी से ही परचेस करो, बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लैक्मी की इंस्टा कूल काजल। ये जो है न्यू लॉन्च हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बटरी सॉफ्ट है, आपके आईज़ के ऊपर बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ही थिन नहीं, मीडियम टाइप का एक काजल अप्लाई किया है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो कि मार्स की तरफ से फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। शेड जो है बफ न्यूड, ये जो है पीओ और न्यूड कलर है, डे टाइम फंक्शन वगैरह के लिए या फिर बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, तो इस वजह से मैंने न्यूड कलर अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लैक्मी की जो है आइकनिक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैं बहुत ही ज़्यादा थिन अप्लाई करूँगी, जैसे कि पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बिंदी अप्लाई किया है, अगर आपको बड़े साइज़ की बिंदी पसंद है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक झुमकी पहना हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये लोकल मार्केट की है। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ मेरी ईयरिंग कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हियर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो, ये जो लुक है, आपको पसंद जरूर आई होगी। तो आइए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मेरे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।